देख रहे हैं CCN न्यूज। आप देख रहे हैं CCN न्यूज। धारावी में अडानी के विरोध का स्वर तेज होता जा रहा है। एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर धारावी विकास का जिन सत्ता पक्ष के द्वारा बाहर निकाला गया, इसी तरह हर बार सत्ता पक्ष चुनाव के मुहाने पर धारावी विकास का जोर शोर से सपना दिखाती है। वहीं धारावी बचाओ आंदोलन के नेताओं द्वारा धारावी के नागरिकों की शर्तों पर धारावी के विकास की लड़ाई निरंतर जारी रखती है, लेकिन चुनाव जीत कर सरकार बनाने के बाद सत्ताधारी पक्ष द्वारा धारावी विकास का जिन चिराग में चला जाता, विकास का सपना अंधेरे में चला जाता दिखाई देता है। एक बार फिर चुनाव के पहले धारावी विकास का जिन धारावी करों के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन धारावी करों के विकास का टेंडर अडानी समूह को मिलने की खबर से के साथ ही धारावी करों में चिंता की लहर, वर्षों से अपने विकास का सपना अपनी शर्तों और अपनी मर्जी से होने का सपना देखने वाले धारावी वासियों के सपने पर आघात की तरह दिखाई देता है, जिसको लेकर धारावी में विकासक के मुद्दे में गुस्से और विरोध का आलम फूट पड़ा। धारावी वासियों के अनुसार धारावी का जो ब्लूप्रिंट सरकार व अडानी ग्रुप द्वारा जारी किया गया है, उसमें काफ़ी कमियां और शर्तें अधिक होने के कारण लोग अचंभित और चकित हैं। सरकार व अडानी की इन्हीं नीतियों के विरोध में धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से धारावी में सर्वपक्षीय अडानी हटाओ धारावी बचाओ की सभा रखी गई, जिसमें अबू आजमी के साथ धारावी बचाओ आंदोलन के अग्रणी नेता बाबूराव माने के साथ सभी पार्टी के नेताओं ने अडानी और सरकार के बीच यह रिश्ता क्या कहलाता के संदर्भ में अपने विचार रखे। ऑगस्ट महीना शुरू है, ऑगस्ट महीने मधे चले जाओ की घोषणा, अंग्रेज चले जाओ, साइमन चले जाओ ही घोषणा झाली होती। धारावी मध्ये पुन्हा एकदा क्रांतिकारक एक घोषणा निर्माण झालेली आहे, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, लेकिन अडानी को क्यों हटावे, यहाँ के बहुत सारे मंचों ने मंच पे बैठे हुए वक्ता ने बताया। मी पण माझे विचार थोडक्यामध्ये इथे सांगण्याचा प्रयत्न करतो। 2004 ला DRP ची स्थापना झाली आणि 19 वर्ष आम्ही संघर्ष करीत राहिलो की झोपडपट्टी वासियांना एक चांगलं घर आणि चाळीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना एक चांगलं सुसज्ज घर इस्टेट मालमत्ताच्या लोकांना मिळालं पाहिजे या भूमिकेला हाताशी धरून मी पूर्वी काँग्रेस पक्षामध्ये काम करत होतो आणि धारावी बचाव आंदोलनाचे बरेच नेते हे माननीय एकनाथ गायकवाड साहेबांकडे यायचे, तर ते म्हणायचे की 225 स्क्वेअर फूटपेक्षा 1 फूट पण आम्हाला देता येत नाही, कारण तसा DC रूल आहे। आणि आंदोलनाच्या ही भूमिका आंदोलनकारक ही भूमिका ऐकायचे आणि निघून जायचे, परंतु तो आजचा दिवस आहे आणि आपण सुद्धा आजचा दिवस ऐतिहासिक क्रांती दिवस निवडला आहे की ज्या दिवशी या धारावीकरांवरती जो अन्याय होतो आहे त्याला कुठेतरी वाचा फोडण्यासाठी आजपासून लढाईला सुरुवात झालेली आहे आणि प्रत्येक धारावीकरांना आपल्या या लढाईमध्ये स्वतः भाग घ्यायला पाहिजे, कारण 58,000 फक्त सर्वेमध्ये झोपड्या दाखवल्या, आता जवळजवळ 1,25,000 झोपड्या धारावीमध्ये प्रस्थापित झालेल्या आहेत,
प्रत्येकाला जर घर पाहिजे असेल तर अशा छोट्या आंदोलनामध्ये प्रत्येक घरातला निदान एक माणूस जरी आला असता तरी आज लाख सव्वा लाख माणसं या सभेला उपस्थित राहिली असते आणि याची नोंद सरकारला घ्यावीच लागली असेल लागली असती। परंतु जे कोणी आमचे सर्व पक्षीय आज प्रयत्न करतात आहे की धारावीच्या प्रत्येक झोपडपट्ट्यांना एक हक्काचं असं सुसज्ज असं घर 400 फुटाचा चौरस फुटाचं घर मिळायला पाहिजे त्यासाठी फक्त नेते विविध पक्षाच्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन काय उपयोग नाही परंतु धारावीच्या प्रत्येक माणसानी आणि प्रत्येक रहिवाशांनी यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे। मध्ये आंदोलन करते वेळी प्रत्येक घरातला माणूस आला पाहिजे तरच आपण या धारावीला कुठेतरी वाचवू शकतो नाहीतर सरकारचा जावई आहे जो तुमच्याकडे उद्योजक आलाय बिल्डर आलाय त्याला या बिल्डर लाईनची काही 5 पैशाचा काडीमाचा संबंध नसतानाही त्याला कुठला तरी टेंडर प्राप्त झाला हा टेंडर कसा झालाय कशा प्रकारे आले हे प्रत्येक नेतेगण जाणतात आहे कारण मागच्या वेळी जेव्हा टेंडर निघाला तो 7,250 आसपास होता परंतु आताचा आहे तो 5,068 कोटी जवळजवळ त्याला 2,000 ते 2,250 कोटीची माफ केलेली आहे। म्हणजे विचार करा त्याच्यावरती केवढा मोठा आशीर्वाद आहे या आशीर्वादाला आपल्याला परत पाठवायचं असेल तर धारावीच्या प्रत्येक माणसांनी या आंदोलनामध्ये भाग घेतला पाहिजे प्रत्येक रहिवाशांनी भाग घेतला पाहिजे तरच हा आंदोलन संपूर्ण पूर्णपणे एकदम पाठिंबा तुमचा असेल तर तो सक्सेस होईल आणि संपूर्ण धारावीकरांना जो आपल्याला हक्काचा काहीतरी वेगळे विचार आणतील हे प्रस्तावित सरकारच्या बद्दल चांगल्या गोष्टी सांगतील अडाणीबद्दल चांगल्या गोष्टी सांगतील परंतु तुम्हाला लॉलीपॉप देतील पण त्याला आमिषाला बळी पडू नका। तुम्हाला एक साधं उदाहरण सांगतो की या ठिकाणी बोरिवलीच्या पुढे एक नॅशनल पार्क आहे नॅशनल मला माहीत आहे 2 मिनिटं बोलायचं या ठिकाणी नॅशनल पार्कच्या ठिकाणी जो बोरिवलीचा विभाग आहे त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार होते राम नाईक त्या राम नाईकांची तो मतदारसंघ होता आणि त्या मतदारसंघामध्ये मधले लोक जे नॅशनल पार्कचे होते त्यांना विस्थापित करणार होते तेव्हा राम नाईकांकडे ते सगळे मतदार गेले आणि सांगितलं साहेब आम्ही विस्थापित होत आहे तुम्ही आमच्यासाठी काहीतरी करा। त्यावेळेस राम नाईक सांगितलं की माझ्या मतदारसंघातला माणूस हा माझ्याच मतदारसंघात राहील त्यांना कुठेही मी हलवणार नाही। परंतु कालानंतर त्याला बोरिवलीवरून पालघरला नेण्यात आले ते विस्थापित झाले परत ते मतदार त्यांना आल्याने विचारलं साहेब तुम्ही तर मला की माझ्या मतदारसंघातला माणूस कुठे जाणार नाही तर त्यांनी सांगितलं पालघर पण माझ्या मतदारसंघातच येतो ना मैं उद्या दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा उठाया है। आज देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनको ये चिंता नहीं है कि देश में समाज के गरीब लोग किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे उनको सिर्फ ये चिंता है कि चंद गिने हुए लोग आसमान की ऊंचाई पर कैसे बैठ जाए। लाखों करोड़ों रुपया लेकर लोग भाग गए बैंक का लोन नहीं भर रहे हैं और अभी अदानी जी जिस दिन अदानी जाएंगे ना उस दिन आपका जो बैंकों में पैसा है ना वापस मिलने वाला नहीं है और ये बहुत जल्द होने वाला है। देख लीजिए आप कितने दिन हो कितने बकरे की मांग कितने दिन खैर मनाएगी ये दिन आने वाला है। मोदी जी अपने हर धर्मी से अपनी ताकत से अपनी गिनती के ऊपर जितना चाहे कर लें लेकिन आज नहीं तो कल वो दिन आएगा कि जब तमाम चीजें सामने आएंगी तो अदानी जैसे लोग हवा में उड़ जाएंगे। आप लोग होशियार रहिए घर में पैसा रखोगे तो पकड़े जाओगे इनकम टैक्स पकड़ेगी बैंक में रखोगे बैंक लूट जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ये हालत है देश के आज देश में दो लोग हैं कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो है अमित शाह दूसरी तरफ
इनको और कोई नजर नहीं आता, सिर्फ दो हैं अदानी और अंबानी, इन्हीं को बहाना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि देश में जो लोग बड़े कारोबारी हैं, बड़े बिजनेस में बड़ा काम करें, मिडिल क्लास के लोग मिडिल काम और छोटे काम करें, लेकिन आज सरकारें जो बैठी हैं वो सब कुछ लूटा करके कुछ कारपोरेट को बढ़ा देना चाहती हैं। 8-10 लोग हैं जिनके पास पूरे भारतवर्ष की आधी दौलत है, और कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने अभी असेंबली में उस दिन कहा था कि 5-स्टार होटलों के बाहर बेचारे खड़े होकर के ये इंतजार करते हैं कि कोई जूठा खाना भेज दे तो मैं खाना खा के अपना पेट भर लूं। ये हालत देश के आज है, बर्बादी के कगार पर देश है। दोस्तों, धारावी का जहां तक सवाल है, 19 साल से आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। 19 साल में बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है। धारावी डेवलपमेंट किधर है? डेवलपमेंट आज तक कुछ नहीं हुआ। और इसके लिए इन लोगों ने जो है धारावी रीडेवलपमेंट में 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2020 तक 32 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। 32 करोड़ खर्चा हुआ है पीएमसी के शुल्क पर, 16 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट पर, 3 करोड़ 70 लाख रुपया प्रोफेशनल एंड सर्वे के ऊपर, 4 करोड़ 14 लाख रुपया लीगल फीस, 2 करोड़ 27 लाख रुपया और डीआरपी जो है 4-2-2004 से आज तक तालियां बजा रहे हैं लोग, कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या मजाक बना रखा है? और जब इसका टेंडर निकला, जहां तक मुझे मालूम है अदानी ने सुबह 4000 कितने का करोड़ का था, अभी जो 5069 करोड़ अदानी का टेंडर है, सी लिंक टेक्नोलॉजी कंपनी 7200, किसको मिलना चाहिए? नहीं, ये बैठे हैं ना, इनकी नाजायज औलाद है, वो कुछ नाजायज औलाद को देंगे, क्योंकि अंदर से कुछ चक्कर और चल रहा है। देश की कोई चिंता नहीं है, किसी आदमी को बढ़ा देना है। धारावी के लोग बहुत मजबूत हैं, अगर ये संकल्प ले लेंगे ना तो अदानी का बाप भी धारावी में घुस नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं है। हमें एक जुटा होना चाहिए, हमारी जमीन है, हम यहां रहते हैं, तुम होते कौन हमको यहां से निकालने वाले? यहां जो डेवलपमेंट होगा, धारावी के रहने वाले तमाम लोगों को इसी जगह पे रहने की जगह मिलना चाहिए। और बारिश से भाग रहे हो, देखो बारिश भी चली गई, वो नहीं आने वाली। देखिए भाई साहब, मंच पर सारे पार्टी के लीडर 15 दिन से धारावी के गली गली में घूमकर जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं, और आज यहाँ पर अबू अजमी साहब भी अपने को ताकत देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे पक्की याद है, इसके पहले भी अपन जो 2 लाख लोगों का मोर्चा निकाला था, तब भी अजमी साहब ने धारावी में मीटिंग लिया था और अपने को सपोर्ट किया था, ताकत दिया था। और आज भी अजमी साहब सारे झोपड़पट्टी के लोगों के साथ में है। तो मुझे कहने का यह है कि ये शुरुआत है, जरूर कुछ कुर्सियां खाली है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके पहले 2 लाख लोगों का तगड़ा मोर्चा निकालकर हम लोगों ने बता दिया है, धारावी वाले अगर रोड के ऊपर उतरते हैं तो अदानी को यहां से भागना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये शुरुआत है, आने वाले कुछ दिन में ये लड़ाई, ये संघर्ष बहुत तगड़ा और मजबूत भिड़न के साथ आगे वाली लड़ाई होने वाली है। इसीलिए मेरे भाइयों को मैं विनंती करता हूँ, संकट बहुत गहरा है, धारावी वालों से बहुत जहरीली धोखाधड़ी होने वाली है, और इसके लिए सारे लोग अलर्ट रहे, सारे लोग इकट्ठा रहे, आने वाले कुछ दिन के अंदर ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मजबूत भिड़न के साथ फिर हम लोग रोड के ऊपर उतरने वाले हैं, क्योंकि धारावी के बाहर भगाने का, धारावी के बाहर 15-20 किलोमीटर अपने को जगह देने का उन्होंने वादा किया है, एग्रीमेंट में वैसा तय हुआ है, 15 किलोमीटर हम कहीं भी बाहर लेके जाएंगे। अरे एक दफे जगह तोड़ने के बाद अपन थाना तक जाएंगे ना, बाद में बोलेंगे अभी इधर जगह नहीं है, अभी कल्याण तक जाना पड़ेगा, भिवंडी तक जाना पड़ेगा, इधर विरार तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीकेसी की सारी जमीन अदानी के जेब में डालने का, ये अपना विकास नहीं है,
इसमें अदानी का विकास होने वाला है। हमारे सारे साथी राजू कोरडे साहब, हमारे यहाँ पर अनिल का, सिद्धार्थ कासारे साहब, बहुत सारे लोग यहाँ पर 15 दिन से मेहनत कर रहे हैं, गली गली में धारा भी के जा रहे हैं और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन में बहुत तगड़ा संघर्ष धारावी वालों का भविष्य में होने वाला है। सारे जाति के, सारे धर्म के, सारे भाषा के, सारे प्रांत के लोग हम भविष्य में इकट्ठा आने वाले हैं। ये शुरुआत आज हो चुकी है। अरे बारिश छोड़ो, भविष्य में हड़कंप यहाँ हो गया तब भी धारावी वाले हटने वाले नहीं है। धारावी वालों का एक मजबूत आवाज आने वाले कुछ दिन में मुंबई शहर में गूंजने वाला है। और हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है धारावी के गली गली में, जब तक धारावी के विकास का मास्टर प्लान चौक चौक में नहीं लगाया जाता है और उसमें पूरा धारावी वालों का समाधान और समर्थन नहीं मिलता है, तब तक हम हमारे झोपड़े को हाथ लगाने नहीं देने वाले हैं। ये सारी बात को ध्यान में रखो। बहुत सारे फायदे, बहुत सारा मुनाफा, बहुत सारा सहूलियत, बहुत सारा कंडीशन सरकार ने अदानी के जेब में डाल दिया है। यानी सरकार ने 80% खुद का अधिकार वो भी अदानी को भेज दिया है। अगर अदानी के पास 20% भी अधिकार होता ना तो भी वो अपने सबको कुचल देता था, रगड़ देता था। लेकिन अभी तो सरकार ने ही उसके पास 80% अधिकार दिया है। बोलो 20% अधिकार में तुमको हमको न्याय मिलेगा क्या? अदानी किस तरह से बर्ताव करने वाला है? अदानी का बिजली बेचने का भी धंधा है। वो सबर्बन में बिजली बेचता है और कभी भी बिजली लोगों का काटता है। 5,000 बिल आया, 15,000 बेचता है। पहला बिल भरो बोलता है तो बिजली कटवा देता है। इसके कारण सबर्बन में कितने लोगों ने खुदकुशी की है, कितने लोगों ने सुसाइड किया है। एक फैमिली थी, उस फैमिली के घर में अपने लड़की को देखने के लिए मेहमान आने वाले थे। सारे मेहमान घर में जमा हो गए और एक ही हफ्ता जस्ती बढ़ गया था। लेकिन अदानी के लोग आए, अरे वो बोल रहे, अरे आज हमारे घर में फंक्शन है, मेरी लड़की को देखने आए, 2-4 दिन के अंदर हम बिल भरते। नहीं सुना, मेहमान घर में बैठे 15-20 इमीडिएट वहां की बिजली काट दी। पैसा अभी भरो, 5 दिन के पहले तुमको नोटिस दिया था, अभी समय खत्म हो गया, अभी हम काटेंगे। बिजली काट दिया वही के वही, अदानी का बिजली बेचने का धंधा। उसी रात में अपमान होने के कारण वो फैमिली के मां ने अपने गले को दोरी लगाकर आत्महत्या की। इस तरह का इनका कारोबार है। और इसका बिजली का जो मीटर है वो आने वाले कुछ दिन में धारावी में भी आने वाला है। अभी BST का बिजली अपन वापर रहे हैं, इसको कितना फायदा होने वाला है धारावी के विकास में। 58,000 लोगों का विकास करेगा बोल रहा है, यानी 200 एकड़ के अंदर धारावी वालों को एक कोने में दबाकर घुसार देगा। ये आदमी मुर्गे का जो, जैसा मुर्गी का जो घर होता है ना, वैसा घर देके एक आधे कोने में घुसा देगा और 450 एकड़ जमीन कमर्शियल भाव से बेचने वाला है। 200 एकड़ में धारावी के सारे लोगों को दबाएगा और 450 एकड़ जमीन कमर्शियल भाव से बेचेगा। और इसीलिए उसने टर्म एंड कंडीशन में स्पष्ट लिखा है, धारावी के बाहर 10 या 15 किलोमीटर कहीं भी हम धारावी वालों का विकास करेंगे। हमारा यह ऐलान है, यहां पर यह चेतावनी है वो सरकार को भी, 1 किलोमीटर भी धारावी के बाहर हम जाएंगे नहीं। धारावी के 1,15,000 फैमिली का धारावी में पुनर्वसन होना चाहिए, फिर तुम तुम्हारा सेलेबल बाद में बनाओ, पहले धारावी का सारे लोगों का पुनर्वसन होना जरूरी है। खुला खुला बोल रहा है 58,000 का ही पुनर्विकास होगा, यानी 65,000 फैमिली, 65,000 घर कहां जाएंगे? तो उसने अभी रास्ता बता दिया है, थाना तक जाओ, मुमरा तक जाओ, यहां चेंबूर तक जाओ, इस तरफ अंधेरी के आगे जाओ। और ये उतने के ऊपर सीमित नहीं रहने वाला, ये सीमा अपने को विरार तक भी जाने की नौबत आएगी।
अपने को थाना के आगे भी जाने की समझ, अगर आज आप जागेंगे जागोगे नहीं तो बहुत बड़ा खतरा है, ध्यान रखो। ये तुम्हारे हमारे विकास के लिए नहीं आया है, ये धारावी की मिडल प्लेस 650 एकड़ जमीन अदानी को गवर्नमेंट ने फ्री में दिया है। तुम एक गुंटा भी जमीन कहीं खरीदते हो ना तो तुमको उसका टैक्स भरना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है, लेकिन यहाँ 450-650 एकड़ जमीन अदानी को मुफ्त में दिए, 200 एकड़ में अपने को कुछ ना कुछ बना के देगा, और 450 एकड़ का क्या करने वाला है, कैसा पे 65,000 रुपया स्क्वायर फुट धारावी के जमीन का आज भाव है। 17 साल इसको दिया है, 17 साल में धारावी के कितने लोग जिंदा रहेंगे, कितने लोग चले जाएंगे मालूम नहीं। तो विकास के विषय में भी कुछ सीमा मर्यादा होना जरूरी है, लेकिन अदानी को इतनी सहूलियत दी है सरकार ने कि पूछो मत, और इसीलिए सारे धारावी वालों ने जागने की बहुत बड़ी जरूरत है। हम सारे मंच पर बैठे हुए सारे पार्टी के अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन आपके नसीब से धारावी में राजनीति करने वाले सारे लीडर इतने समझदार हैं, इतने आपस में सोच विचार करके इकट्ठा आए हैं कि अगर सारे लोग इकट्ठा आकर धारावी के जनता के पीछे खड़ा नहीं रहेंगे तो धारावी पूरी उद्ध्वस्त होने वाली है, उजड़ जाने वाली है। ये सारी मालूमात सारा स्टडी हमारे राजू भाई ने किया है, हमारे इस क्षेत्र के विभाग प्रमुख सम्माननीय महेश जी सावन रात दिन अपने हमारे पीछे ताकत पूरी तरह से धारावी वालों को लगाने के लिए रात दिन अलर्ट है, सारे कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर रहे हैं, हमारे विट्ठल पवार है, सारे पार्टी के लोग हैं। अब वो अजमी साहब दोबारा धारावी में आए हैं, सारे पार्टी के बड़े बड़े लीडर का अगले कुछ दिन के अंदर बड़ी बड़ी सभा हो जाएगी, हजारों लाखों लोग रोड के ऊपर उतरेंगे, भरोसा रखो हम मजबूत भिड़न के साथ आपके साथ है। जरा भी कोई दादागिरी कोई करता है तो हम दादागिरी सहने वाले नहीं है, और इसीलिए ये शुरुआत है। आने वाले भविष्य में धारावी वाले कितने बड़े पैमाने पर रोड के ऊपर उतरेंगे ये सरकार भी देखेगी, पुलिस भी देखेगी, और धारावी की जनता भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। आप 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से सारे लोग यहाँ पर बैठे हो, बारिश भी आ गई, बारिश भी चली गई, और आप लोग बहुत कंटाल के बेटे, वक्ता जास्ती थे, सबको साथ में लेना है तो सबकी मर्जी संभालनी पड़ती है, सबका कहना मानना पड़ता है, और इसीलिए सारे लोगों का सुनने का आपको भी बहुत कष्ट हुआ है, लेकिन सारे लोगों को साथ में लेके बड़े ताकत बनाना है तो यह सब थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे हम लोग जो भी सभा का आयोजन करेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, थोड़ा सोच समझ कर करेंगे। इतनी आज की इतनी तकलीफ भविष्य में मैं हम लोग आपको नहीं देंगे, इतना ही बोलता हूँ, और आप सारे लोग भविष्य में जो जो आदेश आएगा धारावी बचाओ आंदोलन का, धारावी बचाओ आंदोलन ये धारावी के सारे राजनीतिक पार्टियों का फेडरेशन है, एक बैनर है, और उस बैनर में सारे पार्टी के लोग, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, वंचित आघाड़ी, आरपीआई, सारे पार्टी के लोग ये आंदोलन के साथ जुड़े हैं। ये एक हफ्ते भर के अंदर की ये तैयारी थी, आने वाला तैयारी बहुत जोर शोर से हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर सारे पार्टी के झंडे डंडे दिख रहे हैं, वो सारे झंडे डंडे कल मैदान में उतरने वाले हैं, और सरकार के साथ हम मुकाबला करके रहेंगे जब तक हम विकास के खिलाफ में नहीं है। विकास हमारा होना चाहिए, लेकिन अदानी जैसा चाहता है वैसा विकास हम मान्य नहीं करेंगे। धारावी वालों को विश्वास में लेकर आप हमारे साथ चर्चा करो, धारावी वालों के साथ चर्चा करो, हमारा सारा कोऑपरेशन आपको मिलेगा। माटुंगा लेबर कैंप के लोग आज भी पक्के घर में रहते, बड़े घर में रहते, उनको 750 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए, और धारावी के सारे जो ये जो चाली है ये चाली वालों को भी 750 चौरस फुट का घर मिलना चाहिए, और जो झोपड़पट्टी है वो झोपड़पट्टी के लोगों को कारपेट मिलना चाहिए, 400 स्क्वायर फुट कारपेट, बिल्डअप नहीं। और ये सारी बात तो, और 15 लाख रुपया कारपस फंड मिलना चाहिए, जो वर्ली में दिया 5 लाख, तो धारावी के हर फैमिली के पीछे
15 लाख रुपया कार्पस फंड, धारावी के बाहर विकास के नाम पर एक भी फैमिली नहीं जाएगी, और धारावी के बाहर 15-20 किलोमीटर छोड़ो, एक इंच भी हम बाहर नहीं जाएंगे। हमारा पुनर्विकास धारावी में होना जरूरी है और उसके लिए हम लोग आगे से पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।